मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में जो 2023 वाली वैकेंसी थी, जिसको पूर्व में निरस्त किया गया था और उसके लिए कहा गया था कि 6 माह के अंदर सुचारू रूप से उसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो भाई साहब री एग्ज़ाम की तिथियाँ आ गई हैं। अगर मैं आपके बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर जो सीधी वैकेंसी थी, उसका जो पुनः एग्जाम होना था, पुनः लिखित परीक्षा जो दिनांक थी उसको फिक्स किया गया है। अब ये एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। इस विषय में अगर मैं आपको बोलूं तो इस विषय में एक अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, वो प्रेस विज्ञप्ति भी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं और साथ ही साथ इससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो समय समय पर आपके सामने उपस्थित कराई जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं इस प्रेस नोट को पढ़ता हूं। पॉसिबल है कि ये अभी आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप सुन सकते हैं, तो इसको सुनकर बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या सावधानियां इस बार विद्यार्थियों को बरतनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 60,244 पदों पर जो सीधी भर्ती 2030 की लिखित परीक्षा का आयोजन था वो पुनः आयोजन किया जा रहा है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि अवगत कराना यह है कि परीक्षा पूर्व में निरस्त की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा निरीक्षित किया गया था कि परीक्षा 6 माह के अंदर पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित कराने के संदर्भ में यह चीजें हैं। अब इसमें मेन चीजें क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो सावधानियां सभी को रखनी है, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण बनाए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के वो देखने के लिए, परीक्षा केंद्रों के सदन को देखने के लिए, परीक्षार्थियों के सत्यापन से संबंधित और उनके निरूपण से रोके जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो 10/6/2024 को जारी किए गए थे। 10 जून 2024 को बताया जा चुका है। अब विद्यार्थियों का क्या क्या यहाँ पर सावधानियां बरतनी उसके विषय में बात करते हैं। किसी भी प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा कई बच्चों ने पिछली बार किया था, पहली बात। दूसरी बात, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित किसी भी प्रकार के साधन को कोई कितना भी कहे कि हमारा ये यहां पर जुगाड़ है, हमारा वो यहां पर जुगाड़ है, उसको नकार दीजिएगा, अन्यथा आप भविष्य के लिए अपने आप को बड़ा डिस्टर्ब देखेंगे, परेशान देखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद की बात कर लेते हैं। दिनांक 1 जुलाई 2024 को ये सारी चीजें अधिसूचित की जा चुकी है, इसका व्याख्यान दिया जा चुका है। तो अब आपको केवल और केवल फोकस करना है बच्चों किस पर, जो तिथियां दी गई हैं 23, 24, 25, 30 और 31, ये 5 तिथियों में, अगस्त में इन 5 तिथियों में आपका पुनः एग्जाम होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि माई पाठशाला स्टेट एग्जाम पर आप सभी लोग, जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माई पाठशाला स्टेट एग्जाम पर यूट्यूब, स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, माई पाठशाला स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री शुरू हो चुकी है और बाकायदा ये क्लासेस आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर वाइज ये क्लासेस मिलने वाली है हर चीज के साथ साथ। ये क्लासेस हिंदी और गणित सब्जेक्ट के लिए पूरी तरीके से अच्छे से शुरू हो चुकी है। आप अगर इन विषयों में कमजोर हैं तो इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, गणित के पिछले वर्षों के पूरे प्रश्न पत्र भी आपको यहां पर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं वो बाकायदा सॉल्यूशन के साथ आपको यहां मिलने वाले हैं। हर एक चीज का बाकायदा सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। तो एक क्लास जो मैथ की आपकी होती है, मैथ की क्लास में आपको रेगुलर रहना है, शाम को 7 बजे से डेली लाइव होती है। और इसके लिए आप माई पाठशाला स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसमें जो आपको इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ जो है वो क्लास पीडीएफ और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगी। उसके लिए आप माई पाठशाला स्टेट एग्जाम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। माई पाठशाला स्टेट एग्जाम के
टेलीग्राम चैनल को भी मेरे प्यारे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। पीडीएफ जो होगी कंप्लीट वहां पर मिलेगी मेरे प्यारे भाई, तो तैयारी कर लीजिए। आज तारीख हो चुकी है 25, एक महीना बचा है, एक महीने के बाद से एग्जाम शुरू हो जाएगा और एक महीने में मैं आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को आज से ही अच्छे ढंग से शुरू कर लेंगे।